चंद्रयान 3 का लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हुए अलग, अब जल्दी होगी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी। दोस्तों, 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से रवाना होने के बाद चंद्रयान 3 ने 3 हफ्तों में कई चरणों को पार किया। 5 अगस्त को पहली बार चांद की कक्षा में दाखिल हुआ था। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लिए गुरुवार को बड़ी खुशखबरी आई। चंद्रयान 3 के लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल योजना के मुताबिक 2 टुकड़ों में टूटकर अलग अलग चांद की यात्रा कर रहे हैं। इसी के साथ चंद्रयान 3 का लैंडर अब चांद के और करीब पहुंच गया है। यह 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 मिशन का अगला चरण क्या है? मिशन के अगले पड़ाव में अब लैंडर मॉड्यूल शुक्रवार को चांद की निचली कक्षा में पहुंचाया जाएगा। इसरो ने लैंडर मॉड्यूल की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट में चंद्रयान 3 की यात्रा को लेकर ट्वीट भी किया। इसमें लैंडर की तरफ से प्रोपल्शन के लिए कहा गया, साथ में यात्रा के लिए शुक्रिया मित्र। इसमें आगे कहा गया, लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। अब शुक्रवार शाम 4 बजे इसे चांद की कक्षा में और नीचे उतारा जाएगा। 4 दिन तक प्रयोग करेगा चंद्रयान 3। बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल हैं। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और 14 दिनों तक प्रयोग करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में ही रहकर चांद की सतह से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद की सतह पर पानी का पता लगाएगा और यह भी जानेगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। दोस्तों, 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से रवाना होने के बाद चंद्रयान 3 ने 3 हफ्तों में कई चरणों को पार किया। 5 अगस्त को पहली बार चांद की कक्षा में दाखिल हुआ था। इसके बाद 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रयान 3 ने अलग अलग चरण में प्रवेश किया। इसरो ने इन 3 हफ्तों में चंद्रयान 3 को पृथ्वी से बहुत दूर स्थित कक्षाओं में स्थापित किया। दोस्तों, चांद के आसपास अकेला नहीं है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम नाम का लैंडर और रोवर मौजूद है। खास बात है कि पिछले यान की तरह इसमें ऑर्बिटर नहीं है। इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल संचार में अहम भूमिका निभाता है। 14 जुलाई 2023 यानी लॉन्चिंग के दिन से ही हर देशवासी के मन में यह सवाल है। इसी बीच इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक और उपलब्धि की जानकारी दे दी। बताया गया है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है। बहरहाल, खास बात यह है कि सिर्फ चंद्रयान 3 ही नहीं है जो चांद के आसपास भारत की मौजूदगी दर्ज करा रहा है। 2023 में चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने से पहले भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 रवाना किया था। हालांकि उस दौरान चंद्रयान 2 को लैंडिंग और रोविंग में सफलता नहीं मिल सकी थी। इनके अलावा चंद्रयान 2 ऑर्बिटर भी चांद के आसपास मौजूद है। अब इन 3 यानों की मदद से भारत लगातार अंतरिक्ष की ओर मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ा रहा है। दोस्तों, चंद्रयान 3 में क्या है खास, आइए जानते हैं। चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम नाम का लैंडर और रोवर मौजूद है। खास बात है कि पिछले यान की तरह इसमें ऑर्बिटर नहीं है। इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल संचार में अहम भूमिका निभाता है। दरअसल यह लैंडर के मैसेज को डिकोड करता है और उसे इसरो तक पहुंचाता है। इधर डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। इसे चांद पर एक दिन काम करने के लिए तैयार किया गया है। खास बात है कि यह पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है।
इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लैंडर भी अपने काम पूरे करेगा और सॉफ्ट लैंडिंग की ओर बढ़ेगा। चंद्रयान 3 अंतरिक्षी यान में प्रोपल्शन मॉड्यूल एम्ड से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसे कल थोड़ी निचली कक्षा में उतरने के लिए डीबूस्ट किया जाएगा। इसरो ने ट्वीट किया, सवारी के लिए धन्यवाद दोस्त। लैंडर मॉड्यूल एलएम ने कहा, इसमें कहा गया है एलएम को पीएम से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है।